हेलो गाइस, क्या आप बनाना चाहते हो ऑटोमेटिक डाई और फ्लावर फार्म? तो आप आए हो बिल्कुल सही जगह पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। लेट्स गो। तो गाइस, ऑटोमेटिक फ्लावर और डाई फार्म के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ना कुछ ऐसे गड्ढा बनाना है भाई, कुछ ऐसे 11/12 का आपको कुछ ऐसे वो बनाना है एरिया। और अगली चीज हमें क्या करनी है भाई, आपको कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लेना है और उसको ऐसे फिल कर दो भाई। जो आप गड्ढा बनाओगे गाइस, उसको आपको स्टोन से फिल कर देना है। गाइस आपको ना कुछ ऐसे कर देना भाई, जो आपके लेफ्ट वाले एरिया है ना, वो है 12 ब्लॉक के, और जो नीचे वाले है वो 11 ब्लॉक के। अब नेक्स्ट हमें क्या करें, जो आपकी छोटी वाली साइड है, जो हमारी नीचे वाली साइड है, वहां पे 11 वाली साइड है, जो आपको दो दो गड्ढे बनाने भाई, यहाँ पे दो दो ब्लॉक का आपको एरिया खाली कर देना है। एक कैप इधर रहना चाहिए और एक कैप उधर रहना चाहिए, 9 ब्लॉक तक खाली करने हैं आपको। और अगली चीज हमें क्या करनी है भाई, आपको ना यहाँ पे स्टोन लगा देने हैं भाई, आपको यहाँ पे स्टोन लगा देने हैं। और जैसे आप ये चीज करते हो ना, यही सेम चीज आपको उधर करनी है, ठीक है? जो मैं इधर करूंगा ना, वही आपको उधर करनी है, जो अपोजिट साइड है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे पिस्टन फिट करना है भाई अपने। और आप जैसे पिस्टन फिट करोगे, अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको ऑब्जर्वर लेना, आपको ऑब्जर्वर कुछ इस डायरेक्शन में लगाना भाई, ताकि आपकी ऑब्जर्वर फेसिंग इस साइड हो। जैसे गाइस आप ऑब्जर्वर लगाओगे, अब अगली चीज में क्या करना है, आपको नोट ब्लॉक लेना और ऑब्जर्वर के सामने लगा देना भाई। ये चीज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके पीछे आपको रेड स्टोन लगा देना आपके पूरे एरिया के पीछे। और यही वाली सेम चीज आपको लेफ्ट साइड करनी है, जो मैं ये कर इधर करी है वो उधर करनी है। तो गाइस आपको कुछ ऐसे पिस्टन लगा देने। अब अगली चीज क्या करनी है, जैसे आपको ऑब्जर्व इस डायरेक्शन में लगाना है, आपको एक ऑब्जर्व उस डायरेक्शन में लगाना है, आमने सामने देखते होने चाहिए। और आपको नोटब्लॉक इसके सामने लगा देना, और इसके पीछे भाई आपको फिर से रेड स्टोन डस्ट लगा देने, पूरे आपके पिस्टन के पीछे कनेक्ट होने चाहिए प्रॉपर। अब अगली चीज हमें क्या करनी है भाई, जहां से आपकी वायरिंग नहीं जा रही, जो दूसरे वाला 12 वाला एरिया है, वहां के आपको बीच का एरिया फाइंड करना है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक में गड्ढा बना लो, आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना है, सेंटर पॉइंट के बीचों बीच आपको गड्ढा बनाना है। 2 ब्लॉक का गड्ढा बनाना, आपको इसमें डिस्पेंसर लगा देना भाई। जैसे आप डिस्पेंसर लगाओगे, इसको बंद कर दो। और अगली चीज हमें क्या करनी है भाई, यहाँ बिल्कुल बाहर जाके आपको डिस्पेंसर तक नीचे तक गड्ढा बनाना है, आपका डिस्पेंसर तक गड्ढा कनेक्ट होना चाहिए कुछ ऐसे करके। और जैसे ही गाइस आप डिस्पेंसर के पास पहुंचोगे ना, आपको इसके बराबर का एरिया भी खाली कर देना है। और अब हमें क्या करना भाई, आपको ऑब्जर्वर लेना है, और ऑब्जर्वर उस डायरेक्शन में देखता होना चाहिए भाई, ये कुछ आपको ऐसे लगाना है, ताकि ऑब्जर्वर आपको इधर देखे इस साइड। और दूसरा ऑब्जर्वर आपको क्या करना है, नीचे गड्ढा बना के ऊपर की साइड देखता होना चाहिए आपका दूसरा ऑब्जर्वर, ऊपर की साइड देखना होना चाहिए। आप जैसे आप चीज करते हो, आप इस एरिया को बंद कर दो भाई, यहाँ पे ग्रास ब्लॉक लगा के इस एरिया को आप बंद कर दो। अब गाइस हमारी आखिरी चीज क्या रहती है, हमें एक हॉपर लेना है, हॉपर को ना इसके डिस्पेंसर से आपको कनेक्ट करते करते बाहर तक लेके चलना है। इस हॉपर को आपको इस हॉपर को बाहर तक लेके चलना है। और जैसे आप यहाँ पे बाहर तक लेके गए ना, अब हमें गाइस यहाँ पे कर देनी है एक चेस्ट फिट। तो गाइस जैसे आप इसके अंदर बोन मिल डालोगे ना, आपकी लास्ट चीज रहती है, आपको लास्ट चीज क्या करनी है, आपको ना कोई भी साइड से एक एरिया खाली कर दो। मैं इस साइड से खाली कर देता हूँ आपको गाइस, एक एरिया कुछ आपको ऐसे खाली कर देना है। अब गाइस बारी स्टार्ट करने की, और स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस राइट क्लिक करना है नोट ब्लॉक पे। एक मैं इधर राइट क्लिक करूंगा, गाइस एक इधर करूंगा, और ये देखो भाई आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक फ्लावर और डाई फार्म तैयार है। और इसको बंद करने के लिए आपको भी यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो भाई आपके कितने सारे फूल बन गए यहाँ पे, बिल्कुल सारे कलर के आपको डाई यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं भाई, ये देखो हम देखते हैं कितनी देर में हमारे पास कितनी डाई हो गई। और भाई ये देखो, सिर्फ मैंने भाई इसको 5 सेकंड चलाया, हमारे पास देखो 27 ब्लू डाई, 21 फूल पॉपी, और पता नहीं देखो 64 वीट सीड। तो गाइस ये था आपका ऑटोमेटिक फ्लावर और डाई फार्म। वीडियो पसंद आए गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे हो जाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।